आप सभी को पता है आजकल के जितने जेनरेशन है वेस्टर्न कल्चर को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर रहा है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ हमारा जो ट्रेडिशनल और कल्चर है हमें इसे प्रमोट करके ले जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये वीडियो में दिखाऊंगा एक ऐसा शॉप जहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है, जहाँ पे आप सिडोनी के ड्रेस पहन सकते हैं हमारे तगिन कल्चर के, और बहुत सारा ड्रेस लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस मिलता है। तो उसका डिटेल आज मैं पता करके आप सभी को दिखाऊंगा। तो शॉप इसके अंदर में है, अभी जाके आप सभी को मैं दिखाता हूँ वो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस क्या क्या मिलता है वो शॉप में। तो गाइस जाके देखते हैं। मैं ट्रेडिशनल शॉप के अंडर पे हूँ और यहाँ पे मेरे सामने है ट्रेडिशनल ड्रेस के शॉप के ओनर। तो ओनर से कुछ सवाल करते हैं और यहाँ का शॉप के बारे में कुछ डिटेल पता करते हैं। तो मैडम जी सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ररी याक्या लेरक दागेम। बहुत ही अच्छा नाम है। और आपका यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ पे क्या क्या ट्रेडिशनल अवेलेबल है? सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस ज़्यादा वक्त अलग अलग जेबो ना चौथा बच्चा से लेके बड़ा वो अवेलेबल है, और बाकी जैसे टॉप्स हो गया जैसे कि लड़की का ट्रेडिशनल सूट ना ट्रेडिशनल ड्रेस, और जैसे कि मफलर हो गया, टांगो हो गया, और मोदीकोट में जाना जाता है ना, और इसके बाद में बच्चा का सूट, और जैसे कि वो जितने ट्रेडिशनल में जो जो तगिन लोग जो पहनता है जो यूज़ करता है वो अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बात है, आपका यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है ट्रेडिशनल ड्रेस। आपके यहाँ पे मेनली कौन सा ट्राइब का आप ट्रेडिशनल ड्रेस को बनाते हैं या फिर आप तगिन का ही सिर्फ बनाते हैं? ऐसे तो मैक्सिमम मैं तगिन का ही बनाती हूँ। तो जैसे सिडोनी आर्यावर्ण से उससे एडवांस मैंने तगिन का बनाते हैं, और इसके बाद में हर ट्राइब का बनाता है, जैसे गालो हो गया, निसी हो गया, तो जैसे ऑर्डर करने से मैं बनाती हूँ। जैसे तो जैसे दो महीना से पहले जैसे कि पूजा आने वाला है, जैसे गालोलो का अप्रैल में होता है पूजा, तो हम जनवरी से शुरू करता है। सिडोनी का जैसे कि जनवरी में होता है तो हम अभी से ही शुरू करता है, जैसे अक्टूबर नवंबर से शुरू करता है। तो हर टाइप का मिलेगा। स्कूल सीजन में जैसे कि स्कूल ड्रेस भी जैसे ऑर्डर कर सकता है सिलाई के लिए, तो बना देता है जितने स्कूल का ना। इस बार दो स्कूल का बनाया है, प्राइवेट स्कूल का ना, तो स्कूल का भी बनाता है। आपके यहाँ का जो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है जो शॉप का? न्यू मार्केट लीदा कॉम्प्लेक्स के अपोजिट साइड में, इसको बुची कॉम्प्लेक्स बोलता है, बुची कॉम्प्लेक्स के अंदर में, थोड़ा अंदर में। तो आपने कैसे सोचा कि आप ये इतना अच्छा आइडिया लगाया एक ट्रेडिशनल शॉप को लेकर के? ट्रेडिशनल ड्रेस तो ऐसे मेरा शौक है, क्योंकि हमको डिजाइन ऐसे तो बड़ा डिजाइनर तो नहीं बन पाया ना, लेकिन छोटा मोटा डिजाइनर ऐसे कोशिश करेगा बोल के पहले से मेरा अंदर में सोच था ना। तो ट्रेडिशनल ड्रेस इसलिए हाँ, क्योंकि हम लोग का यहाँ का दापुरीजो का जितने भी अपर सुबुंसरी का जितने भी लेडीज जैसे कि लड़का लोग है जैसे कि लड़की लोग है, तो ज़्यादा बाहर से लेके आता है ना, तो बाहर से लेके आने से थोड़ा रेट जो थोड़ा महंगा होता है ना। तो बाकी लोग जो जो गरीब है जो वो लोग थोड़ा नहीं सकते है ना, अफोर्ड करने नहीं सकते, तो इसलिए हमने सोचा है कि तो ऐसे तो पहले यहाँ पे दापुरजो में जैसे कि नहीं भी था, कोई नहीं खोला था, तो हम सोचा कि दूसरा जो नहीं खोला है ना तो उसको हम चॉइस किया, तो दापो में कोई नहीं खोला है तो हम खोल के देखेगा, तो ऐसे बोल के तो वहाँ से हमने शुरू किया। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बात है, आपने सुन लिया मैम जी कैसे आइडिया लगा कि ये खोला है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और मैडम जी आप बता दीजिए आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा जो ये शॉप का, आप कितने सालों से ये शॉप को खोला है? ऐसे तो मेरा एक्सपीरियंस तो 6-7 साल से है, लेकिन अच्छा से खोला है तो 3-4 साल हो गया, 5 साल जैसे हो गया, तो वही है, तो 5-6 साल। आपका ये जो काम है आप इसमें
अकेला ही करते हैं ना, आपका स्टाफ भी साथ में है? स्टाफ जो मेरा पिलर अभी तो 10 जिसे है, 10 तो जिसे है, जैसे मास्टर लोग हो गया ना, तो दुकान देखभाल करने वाला, तो मिला के 10 जिसे है। और खास करके मैं अपर सुबनसिरी का जितना भी मेरा व्यूअर्स है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा यहाँ पे विजिट कीजिए। जैसे सोसाइटी होता है ग्रुप में, जैसे ऑर्डर करना होगा, या फिर जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे ग्रुप ग्रुप में आजकल बहुत ज़्यादा भाग ये करता है, वो लोग जितने ट्रेडिशनल का ड्रेस है ऑर्डर कर से, एडवांस ऑर्डर कर से ग्रुप का भी बना देता है। ये बहुत ही अच्छा। और आपके यहाँ पे प्राइस कैसे रहेगा? प्राइस तो हम अपना से मिला देते हैं, क्योंकि हम भी कुछ दूसरा, जैसे कि दूसरा दुकान में, जैसे या ट्रेडिशनल दुकान या कहीं भी हम जाने से, तो थोड़ा महंगा होने से हम भी कपड़ा पसंद होता है, लेने दिल है, लेकिन नहीं ले पाता है ना, तो इसी हिसाब से हमने अपना से सोच के मतलब प्राइस को हम मिला देता है। तो प्राइस के लिए कोई चिंता नहीं, कस्टमर आप लोग, हम अपना व्यूअर्स को बताते हैं, आप लोग विजिट कीजिए और उसका ट्राई कीजिए, और उसके बाद में फिनिशिंग को भी देख लीजिए और कैसे है, और कम रेट में भी मिलेगा। ऐसे अच्छा फिनिशिंग वाला चाहिए तो अच्छा फिनिशिंग वाला भी मिलेगा, और कम रेट वाला भी मिलेगा, दो क्वालिटी का मिलेगा ना, और हर चीज़ मिलेगा। हमारे मैडम जी ने कस्टमर सेटिस्फाई को देखते हुए बिजनेस को स्टार्टअप किया है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार विजिट करके देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है वोकल फॉर लोकल, तो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस को जो प्रमोट कर रहा है उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दीदी जी ने इतना अच्छा शॉप खोला है, तो आप सभी एक बार विजिट करके देखिए और यहाँ पर आके देखिए, यहाँ का प्राइस भी होता है बहुत जेन्युइन होता है, एक बार आप विजिट करके देखिए। और आप सभी को मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो में। गुड बाय।